हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों से लेकर बड़ों तक का सबका फेवरेट और बहुत ही डिलीशियस मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। और इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसे सब लोग बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है व्हाइट ब्रेड, जो सैंडविच वाली ब्रेड होती है वही है। तो मैंने यहाँ पे 10 ब्रेड लिए हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और इसको कट कर लेंगे बीच में रखते हुए। हमें इसका शेप गोल रखना है, क्योंकि पिज़्ज़ा भी गोल होता है, तो हम इसका शेप भी गोल ही रखेंगे। तो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। सारी ब्रेड को हम इसी तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड को इसी तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को इस तरह से मोटे मोटे कट कर लिए हैं, टमाटर को भी इस तरह से काटा है मैंने, और शिमला मिर्च मैंने लिया है, इसको भी थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लेंगे। और चलिए अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में बस एक छोटी चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे, और उसमें अपना ये प्याज और शिमला मिर्च ऐड करके बस हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे भूनना है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा को फ्राई पैन में बनाने वाले हैं, तो हमें इसे थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। अगर आप माइक्रोवेव या ओवन में बना रहे हैं तो आप इसे फ्राई मत कीजिएगा, आप इसको ऐसे ही उस पर रखिएगा। तो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, लो फ्लेम पे नहीं पकाना है इसको, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके बस 1 मिनट भूनेंगे इसको। और उसके बाद इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे, टमाटर को भी हम हल्का सा थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। मैंने चिली फ्लेक्स घर पे बनाया है, आपको अगर जानना है कि ये मैंने कैसे बनाया है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा इडली बर्गर वाली, उसमें मैंने बताया है कि चिली फ्लेक्स को कैसे बनाया जाता है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें या इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। इसको डालने से ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे ये मटेरियल हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेड लेंगे और ये अपना इस पर होममेड पिज़्ज़ा सॉस इस पर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैंने इस सॉस को घर पे बनाया है, आप इडली बर्गर वाली वीडियो देखिए मेरा, उसमें मैंने ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर देंगे इस पर, और ऊपर से एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे इस तरह से, और सारी ब्रेड को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड को देखिए इस तरह से सॉस लगाकर तैयार कर लिया है। और इसके ऊपर से अब हम लगाएंगे ये बाजार वाला पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास बाजार वाला पिज़्ज़ा सॉस नहीं है पैकेट वाला, तो आप ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर भी लगा दीजिए, ये बहुत अच्छा बन के तैयार होगा उससे भी। तो इन सब ब्रेड के ऊपर हम इस तरह से ये पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सबके ऊपर से इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये अपना प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर वाला मटेरियल इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, और सारे ब्रेड के ऊपर इसी तरह से इसको रख के तैयार करेंगे। तो अब हम इनके ऊपर ये चीज़ स्लाइस रख देंगे इस तरह से। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो इसको हम इस तरह से सारे पिज़्ज़ा के ऊपर रख के तैयार कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस और ऐड कर रहे हैं, जिससे देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इसकी आगे की प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं। और अब हम यहाँ पे एक गैस पे फ्राई पैन रखेंगे, क्योंकि हम फ्राई पैन में पिज़्ज़ा को बनाने वाले हैं, और उसको तेल से ग्रीस कर लेंगे हल्का हल्का। और अपना मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा को इस फ्राई पैन में इस तरह से रख देंगे
हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है। बस इस चीज़ को मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है और थोड़ा सा हल्का हल्का नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। तो इसे कवर करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। और यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के पिज़्ज़ा को भी हम इसी तरह से पकाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही खाने में डिलीशियस लगता है और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। ये थाली में दिखेगा नहीं, तुरंत गायब होने वाला है यहाँ से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।